कर देंगे क्या? जो हमारी नमाजें पढ़ने के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई है, हमारे मौलवी मजहबी रहनुमाओं को मीरवेज उमर को रिहा करेंगे? क्या ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लागू करेंगे? और देखिए, ये मैं आपको, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे आपका आशीर्वाद दे, हाथ खड़े करके आशीर्वाद दीजिए। देखिए, और मैं आपको ये बता दूं, ये इनका कैबिनेट साहब जो हमारे हैं ना, जफर इकबाल, अल्ताफ मनहास, अल्ताफ बुखारी का नुमाइंदा अपनी जमानत भी जब्त करवा लेगा। सज्जाद लोन उमर अब्दुल्ला साहब के आगे अपनी जमानत जब्त करवा लेगा। अरे इन लोगों ने हमारे पीर पंजाब, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, पुंछ, राजौरी, कश्मीर, अनंतनाग, सुरनकोट, बेडर, बारामूला के लोगों को अल्ताफ बुखारी ने, सज्जाद लोन ने धोखा दिया। और सुनिए, ये कैसे धोखा दिया जानना चाहते हैं? हाथ खड़े करके जानना चाहते हैं कैसे धोखा दिया? ये धोखा दिया उस पार्टी के साथ हाथ मिला करके जिसने हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बना दिया। और हमारा कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख का शेर है। कश्मीर का क्या इरशाद? हिंदू मुस्लिम सिख का। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके इधर होना जरा नेता जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, मैं आप सबको बता दूं कि ये अल्ताफ़ी सज्जाद लोन और इनके कैंडिडेट उम्मीदवार पार्लियामेंट के चुनावों में इनकी जमानत तो जब्त होगी ही, आने वाले असेंबली के चुनावों में भी ये कहीं नजर नहीं आएंगे। ये वो लोग हैं जो कहते थे हमें 370 चाहिए, महंगे से महंगा वकील करेंगे, बेहतर वकील करेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में नजर ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे जज साहब वो बैठे हुए हैं आपके साथ, मुजफ्फर साहब वो थे, हम लड़ते रहे, ये सड़कों नजर ही कहीं नहीं आए। ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के मैं साथ लिया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ही थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी, कांग्रेस पार्टी ही थी, इसीलिए मैंने उनको समर्थन किया और खुला हो गया कि मुझे जम्मू कश्मीर का बेटा हूं, जिम्मेवारी के साथ अपनी जंग लड़ रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ अपने वजूद मकान पहचान की जंग लड़ूंगा। और आज आप मुबारक है आप लोगों को, मुबारक है आप लोगों को कि आप रियासत के दर्जे की जंग जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री अमित शाह ने रियासत का दर्जे पे अपनी हार मान ली है और असेंबली के चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो डीडीसी के मेंबर है, पैंचीस सरपैंचीस है, ये नौजवान मेरे पीछे खड़े हुए हैं, कल को